नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है तथा कुछ कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां भी दी गई है। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। निगम भिलाई के कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश के अनुसार कुलदीप कुमार गुप्ता प्रभारी कार्यपालन अभियंता को परियोजना शाखा के दायित्व के साथ साथ जोन क्रमांक 2 वैशाली नगर में प्रभारी कार्यपालन अभियंता का दायित्व सौंपा गया है। विश्वजीत सेन गुप्ता डाटा एंट्री ऑपरेटर को वैशाली नगर जोन क्रमांक 2 कार्यालय में स्थानांतरित करते हुए जोन क्रमांक 1 नेहरू नगर में लेखापाल की जिम्मेदारी दी गई है। मनोज सिंह ठाकुर अधीक्षण अभियंता को उनके वर्तमान कार्यों के साथ साथ दुर्ग जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी सिटी बस योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, निदान 1100, लोक सेवा गारंटी, ई गवर्नेंस, पीएम गति शक्ति योजना तथा कंप्यूटर शाखा का नोडल अधिकारी बनाया गया है। अर्पित बंजारे उप अभियंता को वाहन शाखा के कार्य को सुचारू रूप से संचालन हेतु जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विनय कुमार मेश्राम स्वच्छता पर्यवेक्षक को जोन 2 में राजस्व विभाग में लिपिक कार्य का भार सौंपा गया है। अभी निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका कुछ का जो है स्थानांतरण विभागीय तौर पर किया गया है और इसके अलावा नवीन कार्य भी सौंपे गए हैं। नवीन कार्य के तहत अधीक्षण अभियंता जो मनोज ठाकुर जी हैं उनको सिटी बस काम और मुख्यमंत्री स्वयं स्वास्थ्य योजना का कार्य और इसके साथ ही धनवंतरी मेडिकल स्टोर का कार्य, ऐसे कार्यों का नोडल अधिकारी बनाया गया है और कुछ कार्यों की नई जिम्मेदारी जैसे अपसुप अभियंता अर्पित बंजारे हैं उसको जो है भवन अनुज्ञा शाखा के साथ साथ जो है वाहन शाखा में भी जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रकार से बहुत सारे जो ऐसे कर्मचारी उनको विभागीय तौर पर कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा और अन्य कर्मचारियों को भी स्थानांतरित किया गया है। स्थानांतरित किए गए सभी कर्मचारी अब नई जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।